Hello student, in this video we are going to discuss exercise 7.5. Question number first is, find the sum 2 by 8 plus 2 by 5 by 8 plus 2 by 8. वैसे तो नीचे denominator same है, लेकिन denominator अगर अलग अलग होते तो मैं LCM लेते, इसको भी मैं LCM लेके ही करना बताऊंगी. एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर का कितना आया 8. 8 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स. तो 1 5 जा 5 प्लस 1 टाइम्स 1 2 जा 2, 7 बाय 8. इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अगर न्यूमिनेटर को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लस भी कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर डी, 4 by 9, 4 by 9 plus 1 by 4 plus 5 by 6. क्वेश्चन नंबर डी फर्स्ट का एलसीएम लेंगे. फर्स्ट हम 9, 4 और 6 डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे. 9, 4, 6, 2 से 9, 2, 3, 2 से 9, 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3 is a 9, 9, 2 is a 18, 18, 2 is a 36. अब इसको ध्यान से देखिए, 9 के टेबल में 36 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स. उस 4 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 के टेबल में 36, 9 टाइम्स 9 इंटू इसके न्यूमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे. 6 के टेबल में 36, 6 टाइम्स, तो 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई करते हैं. 4 4 जा 16 प्लस 9 1 जा 9 प्लस 6 5 जा 30 अपॉन 36. प्लस करते हैं 6 और 9 प्लस 0 इक्वल टू 15, कैरी 1, 1 और 3 4 और 1 5 अपॉन 36. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट मैं ले रही हूं एक क्वेश्चन नंबर एफ, 17 बाय 8, सॉरी F नहीं है ये, E है. 1 7 by 8, 1 plus 1 1 by 2 plus 1 3 by 4. ये सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है. सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. कैसे, 8 1 जा 8 और प्लस 7 15, 15 by 8. 2 1 जा 2 और प्लस 1 3 अपॉन 2. 4 1 जा 4 और 3 7, 7 अपॉन 4. फिर आप एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का. 8. 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स 1 इंटू 15, 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स 4 इंटू 3 प्लस 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स 2 इंटू 7, 15 प्लस 12 प्लस 14 अपॉन 8, 4 2 6, 6 और 5 11, 1 2 3 और कैरी 1 4, 41 अपॉन 8. और चाहे तो हम इसको, क्योंकि सारे क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में थे तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपने सीखा भी है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना. 41 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 5 जा 40, 5, ठीक है, कैरी बचा 1, 1 अपॉन 8. पहले भी 8 नीचे था, अब भी 8 क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा. तो स्टूडेंट इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको खुद करने हैं.
क्वेश्चन नंबर टू, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, आपको खुद करना है। मोहिनी ब्रॉट 5 1/2 meter ऑफ क्लोथ्स फॉर हर कुर्ता एंड 3 2/3 meter ऑफ क्लोथ्स फॉर पैजामा, हाउ मच क्लोथ्स डिड ही परचेज। उसने क्या किया, 5 1/2 meter तो कुर्ते के लिए और 3 2/3 meter पजामे के लिए कपड़ा परचेस किया, कुल कितना किया। तो क्या करोगे, इसको दोनों प्लस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेहा बॉट अ नोटबुक फॉर रुपीज 7 3/4 एंड पेन फॉर रुपीज 9 2/5, हाउ मच मनी शुड बी ही पे टू द शॉपकीपर। उसने नोटबुक और पेन खरीदा है, उसके लिए कितनी मनी दी है, दोनों की मनी दे रखी है, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और क्योंकि सब मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले सिंपल में चेंज करेंगे और फिर प्लस करेंगे। नेक्स्ट वन इज द वेट ऑफ थ्री बॉयज इज, बॉयज आर 15 1/2 kg, 16 3/4 kg एंड 17 1/5 kg, फाइंड द टोटल वेट ऑफ द बॉयज। क्या करना है, प्लस करना है, मिक्स फ्रैक्शन में सिंपल में चेंज करके प्लस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द वेट ऑफ 3 empty boxes आर 17 3/4 kg, 5 1/2 kg एंड 9 1/5 kg, वॉट इज द टोटल वेट ऑफ दिस 3 empty boxes। 3 खाली boxes है जिनके वेट अलग अलग दिए हुए हैं और टोटल वेट बताना है। वापस से वी हैव टू एड ऑल दिस 3 numbers, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट, डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।